कौन से बुढ़ापे में ऐसा होता है कि लोगों को अक्सर रोग लग जाते हैं और ऐसे ऐसे रोग लग जाते हैं कि वो चारपाई पकड़ लेते हैं, उसमें घर वालों का उनको साथ नहीं मिलता है। लोग जो घर के और सदस्य हैं वो भी इरिटेट होने लगते हैं कि ये बुढ़े हो गए हैं, ये चारपाई पे पड़े हैं। तो ऐसा कोई उपाय किया जा सकता है कि इस तरह का भयंकर रोग ना हो, रोग हो भी तो परिवार का साथ मिले। बेटा चारपाई भी केतु होती है और जब रोग लगते हैं तो राहु देता है। अब राहु की उसमें शरारत जरूर होती है, चाहे वो बृहस्पति रोग दे, चाहे वो मंगल रोग दे, चाहे वो शुक्र रोग दे, कोई भी दे, उसके अंदर राहु का हिस्सा जरूर होता है। और ये जब राहु और केतु जन्म कुंडली के अंदर खराब होते हैं और बाकी के भी जो सौम्य ग्रह हैं वो भी खराब होकर के इनके साथ जब संबंध बना लेते हैं, तो बेटा तब जाकर के हालात इतने खराब होते हैं कि इंसान अपने बुढ़ापे में या बुढ़ापे से पहले ही चारपाई पे लग जाता है। और जो भी इंसान चारपाई पे लग जाता है उसके अंदर जिदपन आता है, चिड़चिड़ापन आता है, टोका टाकी की आदत आती है। और ये सब जब आदतें आती हैं तो परिवार भी इन सारी चीजों से इरिटेट होता है और कोई भी उसके पास बैठना पसंद नहीं कर पाता। और उसके बाद में उनका ध्यान तो जरूर रखते हैं लेकिन कोई ना कोई दूरी एक बन जाती है जो कि फिर वो बड़े बूढ़ों को जो चारपाई पे लगे हुए उनको खलती है। बेटा जो मर्जी कहो ये है तो बहुत ही खराब वाला सीन ना। अगर घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसके साथ ऐसा हो तो देख लीजिएगा, परमात्मा ने चाहा थोड़े ही दिनों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे हालात तुम्हें देखने को जरूर मिलेंगे। दवाइयों का दौर भी बंद नहीं होगा तो कम होगा। अगर वो ये उपाय होने के बाद में अगर वो उठ के दौड़ेंगे नहीं तो कम से कम उठ के बैठ तो सकते हैं। स्वभाव में अगर काफी खिंता आ चुकी है तो वो भी काफी बदलाव नजर आएगा, ये उपाय जरूर करना बेटा। सबसे पहले बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू, हरा नहीं होना चाहिए कहीं से भी, बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू लेकिन साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा ना हो, ये लाके उनके ऊपर से सर से लेकर पांव तक 7 बार उतार के बेटा उसे मंदिर के अंदर रखा। पहला उपाय तो ये। और ये उपाय अगर हर महीने महीने में एक बार 3 महीने तक कर दिया जाए बेटा बहुत ही अच्छा असर होगा। दूसरा उपाय कि महीने में एक बार आप जितने घर के मेंबर हो उतने आप काउंट कर लीजिए, 2 हो 4 हो 5 हो 7 हो जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए और प्लस उसके ऊपर 4 रोटी एक ये बना लो, ये चाशनी के अंदर गुड़ की चाशनी के अंदर आटा गूंद के बेटा उसके अंदर आप ये पेड़े तैयार करो आटे के और उनको तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालो। ये हर महीने की 1 तारीख फिक्स कर लीजिए, एक ये हो गया। तीसरा उपाय, हर रोज ऐसे बुजुर्ग के सिरहाने 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का ये रख के सो और सुबह उठ के थोड़े दिन आप ही को तकलीफ करनी पड़ेगी कि सूर्य उदय से पहले आपने वो सिक्का उठाना है और बाहर जाकर के कोई भी सफाई कर्मचारी आपको मिलता है बेटा उसको दान में दे। जो भी लोग ये वाला टैक्स चुका देंगे बेटा उनके घर के बुजुर्गों का ये जो बुराई वाला हालात बने हुए ये सारे दूर होंगे, बीमारियां दूर होंगी, घर में आने वाली दवाइयां बंद होंगी। अल्टीमेटली तो आप ही का फायदा है क्योंकि आपके घर का बुजुर्ग भी सुख पाएगा और दवाइयों के पैसे भी बंद होंगे। तो बेटा ये उपाय जरूर करो ताकि आप अपनों का बुढ़ापा सुख में बना सके, उनके शरीर को अच्छा बना सके, दाता सकते।